ये वीडियो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम डिस्कस करेंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले जो साइंस और टीचर हैं वो ये लिखते हैं कि सर क्या आई पॉप नाम का कोई चीज़ है, जैसे के पॉप है, तो क्या आई पॉप है? बिल्कुल, इंडिया का भी एक पॉप है। इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो मैं जल्दी लाने वाला हूँ। वैसे तो यार बहुत सारे ऑडिशंस निकलते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द आपको कवर कर सकूँ। बहुत सारे इंडिया में ऐसे बैंड बन चुके हैं आज के टाइम में जो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं और वो काफ़ी पॉपुलर भी हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। तो ये क्योंकि ये काफ़ी डिटेल वीडियो है। राहुल ब्रह्मन यहाँ पर ये लिखते हैं कि इंडियाज बेस्ट डांसर के लिए जो ऑनलाइन ऑडिशन देते वक्त दो वीडियो अपलोड करनी हो, कितने एमबी की होनी चाहिए? देखो, सिंपल सी बात है, आपकी 50 एमबी से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए एक वीडियो, यानी कि 100 एमबी से ज़्यादा की आपकी दोनों वीडियो नहीं होनी चाहिए टोटल अगर हम कैलकुलेट करें तो। 50 एमबी से कम की रखो तभी आप वीडियो अपलोड कर पाओगे, अगर ज़्यादा रखोगे तो वीडियो अपलोड नहीं होंगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। और अभी 18 फरवरी लास्ट डेट है, तो आराम से करिए, जल्दबाजी मत करिए। रोहित सिसोदिया यहाँ पर लिखते हैं, जो आपने स्कॉलरशिप के बारे में बताया कि हम इस स्कॉलरशिप का यूज़ करके ऑडिशंस दे सकते हैं, हमारी फ़ीस कम हो जाएगी के पॉप के अंदर, तो आप क्या हम बिना पेरेंट्स को बताए कर सकते हैं? नहीं गाइज, आपको पेरेंट्स को बताना होगा, क्योंकि आप अंडर 18 होंगे। जो लोग अंडर 18 हैं तो वो लोग वैसे ही आपको स्पॉन्सर नहीं करेंगे और ना ही वो आपको स्कॉलरशिप देंगे जब तक आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं होंगे। पर अगर किसी के पेरेंट्स नहीं मानते तो यार इसमें तो आपको अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा, क्योंकि जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो आपको अपने पेरेंट्स को ही देना चाहिए। और थोड़ा आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि वो क्यों मना कर रहे हैं, क्या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है या फिर वो आपको अपने आप से दूर नहीं करना चाहते। तो इन चीज़ों का यार ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होता है, पेरेंट्स हैं तो सब कुछ है, अदरवाइज आप ऐसे बिना पेरेंट्स के बताए कोई भी एक्शन मत लेना। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि यार इंडियन आइडल का ये ऑडिशन है कब आएगा, तो देखो यार मैंने एक वीडियो बनाई है इंडियन आइडल को लेकर और मैंने बताया है कि कब वो आएगा। अगर आपको नहीं पता तो वो मैं उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे अगर आपको मोटा मोटी बताऊं तो आप मई तक तैयारी कर सकते हैं अपने इंडियन आइडल की। पिंटू यहाँ पर लिखते हैं, क्या बिहार के अंदर भी इंडियन आइडल के ऑडिशन होते हैं? बिल्कुल, बिहार में तो शायद 2 दिन चलते हैं। बिहार हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई और दिल्ली, इन जगहों पर तो ऑडिशन कन्फर्म है। और जो स्टेट्स हैं वहाँ पर कभी कभार होते हैं, कभी कभार नहीं होते, लेकिन इन जो जगहों के मैंने नाम लिए हैं इधर तो कन्फर्म है। आसिफ अंसारी यहाँ पर लिखते हैं कि सर मेरा जो एज है 18 साल से कम है, तो क्या मैं अपने पेरेंट्स को लेकर आना पड़ेगा या नहीं? तो देखो यार, अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आप अंडर 18 में आते हैं, आप माइनर में आते हैं, और जो बच्चे माइनर में आते हैं यानी जो छोटे होते हैं, तो उनके डिसीजन उनके पेरेंट्स ही लेते हैं, क्योंकि इंडियन आइडल वाले आपको 6 महीने 7 महीने तक अपने पास रखेंगे, जहाँ पर खाना खर्चा सब कुछ होगा। तो एक पेरेंट्स की परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे को 6 महीने तक इस शो में रहना होगा, तो इसीलिए पेरेंट्स की परमिशन लगती है। अगर आप 18 प्लस हो जाते हैं तो फिर आप पेरेंट्स से कट आउट हो जाते हैं, तो फिर आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। यार देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं, शाहिद म्यूजिक ऑफिशियल बोल रहे हैं कि सर सिंगिंग दीवाने कब आएगा, तो मैंने कभी नहीं बोला कि सिंगिंग दीवाने नाम का एक कॉम्पिटिशन, एक शो है, वो आने वाला है, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। बल्कि मैंने तो आपको ये बोला कि ये फ्रॉड भी हो सकता है। तो जहाँ से आपको ये बात पता चली कि सिंगिंग दीवाने नाम का एक टेलीविजन शो कलर्स पे आने वाला है, उसी से जाकर आप ये चीज़ पूछिए कि भाई कब आने वाला है। उसने आपको जब ये बताया कि सिंगिंग दीवाने आने वाला है, तो फिर उसको ये भी बता सकता है कि भाई कब आने वाला है। फिलहाल ये क्वेश्चन का जवाब मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही नहीं कि सिंगिंग दीवाने नाम का कोई शो आने वाला है। बस मैंने ये बताया था कि हाँ, ऐसा लोग बोल रहे हैं कि एक सिंगिंग दीवाने का नया शो कलर्स पे आ रहा है, बट इसकी कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है, ना इंटरनेट पे, ना ही इनकी वेबसाइट्स के ऊपर। तो मुझे नहीं लगता, जो मेरा अंदर से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही निकल के आता है कि सिंगिंग दीवाने नाम का कोई शो है ही नहीं। बाकी यार देखो, हो भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई शो नहीं है। द वोकल यहाँ पर लिखते हैं कि SM ऑनलाइन ऑडिशन के बारे में बताइए। तो हाँ बिल्कुल, SM ग्लोबल के ऑडिशंस निकले हुए हैं, मैं जल्द ही वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट प्रॉब्लम्स ये हो रही हैं कि कल वीडियो नहीं बना पाया, सिर्फ एक वीडियो शूट हुई, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको SM ऑनलाइन ऑडिशंस के बारे में बता पाऊं। बस आप इस चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। सिंगर रामलाल यहां पर लिखते हैं, सर सारेगामा पर सीनियर के ऑडिशंस कब शुरू होंगे? तो यार देखो, आप पहले भी ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, हो सकता है कि आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा। और जो लोग जानना चाहते हैं कि सारेगामा पर सीनियर के ऑडिशंस कब शुरू होने वाले हैं, इंडियन आइडल जैसे ही खत्म होगा आपके ऑडिशंस स्टार्ट
स्टार्ट हो जाएंगे और मे बी इंडियन आइडल के 2-3 दिन बाद ही या फिर 2-3 दिन पहले आपके ऑडिशन स्टार्ट हो जाएं। तो जैसे ही आते हैं ऑडिशंस तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर ही देखने को मिलेंगे कैसे आपको ऑडिशन देने हैं। राज ब्लॉग यहां पर लिखते हैं कि इंडियन आइडल मराठी के बारे में कुछ बताओ, तो यार बिल्कुल इंडियन आइडल मराठी कभी भी आ सकता है। हो सकता है कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के तुरंत बाद आपको इंडियन आइडल मराठी के ऑडिशंस देखने को मिले, लेकिन अभी कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। बट फिलहाल काफ़ी जल्दी है जो आपको इंडियन आइडल मराठी के ऑडिशंस देखने को मिलने वाले हैं। इंडियन आइडल तेलुगू के तो आ गए हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया वो जाकर कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता कैसे करना है तो लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। समीर प्रजापति यहां पर लिखते हैं कि भैया मैं कानपुर या उत्तर प्रदेश से रहता हूं, तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि इंडियन आइडल के क्या ऑडिशंस चल रहे हैं? तो देखो यार, किसी भी स्टेट में इंडियन आइडल के ऑडिशंस नहीं चल रहे, ये जो भी आपको बता रहे हैं अफवाह है। इंडियन आइडल के नहीं चल रहे, लेकिन इंडियन आइडल मराठी, इंडियन आइडल तेलुगू के ऑडिशंस चल रहे हैं। तो अगर आप हिंदी वर्जन है या आप हिंदी में ही सिंगिंग करना जानते हैं, तो आप इंडियन आइडल मराठी या इंडियन आइडल तेलुगू के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसीलिए आपको वेट करना होगा इंडियन आइडल 14 का, और इंडियन आइडल अभी चल ही रहा है और जो 14 आएगा वो मई के अंदर आएगा। तो लखनऊ के अंदर ऑडिशंस होते हैं, कानपुर के अंदर नहीं होते हैं। तो अगर आप कानपुर में हैं तो फिर आप दिल्ली ऑडिशन देने आ सकते हैं या फिर लखनऊ देने आ सकते हैं, लेकिन वो मई के बाद होगा, मई के आसपास होता है। तो अभी आपको थोड़ा रिलैक्स करना है या फिर किसी और सिंगिंग कॉम्पिटिशन के लिए पार्टिसिपेट करते रहना है। बाकी इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। सचिन के टैग यहाँ पर लिखते हैं कि जो हसल 3.0 आएगा कब आएगा, दूसरा ऑडिशन कब होगा, एज लिमिट क्या है, ये पूरा आप हमें बता दीजिए। देखो यार, हसल 3.0 अभी 2.0 तो अभी ख़त्म हुआ है, जो 3.0 है वो आपको जून जुलाई के आसपास देखने को मिलता है। एज लिमिट 18 से प्लस है, अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा जब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आपको वूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। वूट एप्लीकेशन के अंदर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, उसको फिल करना होता है। फिल करने के बाद ये लोग आपको बुलाते हैं, वहाँ पर आपको अपना ऑडिशन देना होता है, और ऑडिशन के बाद सिलेक्ट होते ही आपको ग्राउंड ऑडिशन में बुलाया जाता है। अभी सीजन 3.0 आएगा तो इतना ज़्यादा इसमें कंपटीशन नहीं होता, रैप बहुत कम लोग करते हैं, सिंगर ज़्यादा होते हैं, तो इस कंपटीशन को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। बाकी गाइस, आज हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस को लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आपके जो भी डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। 5 बजे एक वीडियो आने वाली है और भाई 10 बजे एक वीडियो आने वाली है जो कि मोस्ट पॉपुलर वीडियो है, उन वीडियो को देखना मत भूलना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।